ये वाला जो ब्लेड है ना गाइस, एक और दो दो पिंपल्स हो गए हैं मुझे। सुबह सुबह बंटन के रह रही अरमान में लिख डाल के लिख देना जहर गाना बस बस और रोते नहीं। कौन सी मीटिंग में जा रहा है? मैंने इसको फंसा के पहन तो लिया बट टाइट है। हल्की सी जीन्स टांगो या कुछ टांगो। और बाहर का जो मौसम है ना बड़ा खतरनाक सा हो रहा है। देखो मैंने बारिश का नाम लिया और बारिश आने लग गई। इसमें है क्या? छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, भाई देख मेरा टोरा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और अभी का व्लॉग जो शुरू हो रहा है वो हो रहा है 2:15, मतलब कि हो गए 1:45 पे ये व्लॉग शुरू हो रहा है क्योंकि हम लोग सो नहीं रहे, हमारे को नींद नहीं आ रही है। दो बच्चे सो गए हैं, एक हमारी बच्ची जो है तो वो अभी तक सो ही नहीं है। तो गाइज हमारा गाना आ चुका है, गाने का नाम है जहर। जिसने अभी तक नहीं देखा है जल्दी जाके नंबर 1 रिकॉर्ड्स पे पूरा गाना देख लीजिए। थोड़ी सी झलक है मैं आपको दिखा देती हूँ। और कमेंट करके जरूर बताना आपको गाना कैसा लगा। तो गाइस जब से हमने इस टोकरी में फ्रूट्स रखना शुरू किया ना, तब से ये फायदा हो गया कि फ्रूट्स खत्म होने लग गए। इसमें बनाना रखे थे हमने, एक दर्जन मंगाए थे वो, और ग्रेप रखे थे। जो भी आता है ना खाता है, तो ये चीज ना वसूल होगी टोकरी लाना और यहाँ पे टेबल पे रखना, ताकि कोई भी आए खा ले, वेस्ट ना हो चीज किसी के पेट में चली जाए। तो गाइस चीकू को ना हमने टाइम से सुला दिया था क्योंकि चीकू के पापा ना चीकू की नींद को लेके ना बहुत ज्यादा वो है कि उसको टाइम से सुलाया करो वरना उसकी आंखें डार्क हो जाती है नीचे से, क्योंकि कभी कभी ना ये ज्यादा फोन भी देख लेता है। तो इसलिए हमने टाइम से उसको सुलाना मतलब स्टार्ट किया, शुरू से करते हैं। अभी स्कूल की छुट्टी ना तो थोड़ा लेट हो जाता है, तो इन्होंने कल भी बोला है, कल लेट हो गया था सोने में, 1 बज गया था, तो टाइम से सुला दिया इसे आज। और आज ना सच में इतने टेस्टी करेले बने थे, मतलब करेले बिल्कुल खत्म हो गए। मैंने बोला था कि अगले दिन के लिए रख लो, मैं खा लूंगी, पर करेले बचे ही नहीं, इतने टेस्टी करेले बने थे आज। हमारी जो शेफ है ना, उन्होंने बहुत अच्छा करेला बनाया था। और गाइस डॉक्टर ने हमें ना आयरन और कैल्शियम और न्यूरोकाइन खाने के लिए बोला था, पर हम रोज भूल जाते हैं। इससे अच्छी प्रेगनेंसी थी। प्रेगनेंसी में हमें याद रहता था कि हमें सुबह खानी है कैल्शियम और खानी आयरन, नहीं सुबह खानी है आयरन और रात को खानी है कैल्शियम। पर अभी क्या ना, अभी जब से बच्चे हो गए ना तो हमें टेंशन नहीं रहती कि आयरन कैल्शियम, क्योंकि अपने लिए खाना ना, पहले बच्चों के लिए खाना होता था, फिर अभी इतना ध्यान नहीं रहता, जबकि ला के रखी हुई ये दवाइयां सारी। तो गाइस फाइनली ना हमारे तीनों बच्चे सो गए हैं, लगा लो पूरे 2:05 हो गए, पीछे टाइम दिख रहा होगा। तो अयान, जैद और तूबा तीनों बच्चे सो गए, और चीकू तो पहले सो गया था। फिर देख किसी ने ये रखा हुआ था शिंक के अंदर, शिंक में काटेंगे, हमारा हाथ काटेंगे और कुछ नहीं। पता है गाइस आपको मैं इंसिडेंट बताती हूँ कितना बुरा मेरे साथ हुआ था। तो गाइस ये जो ब्लेड है ना, ये चॉपर का ब्लेड है, और मेरे साथ इतना बुरा इंसिडेंट हुआ था, मतलब मैं जिंदगी में ना वो कभी नहीं भूल सकती। हुआ ये था कि हमारे पास भी ये था, चॉपर था, तो मम्मा ने कुछ काम किया होगा, मुझे याद नहीं किसने शिंक में रख दिया, तो झूठे बर्तन उसमें रखे हुए थे। तो मैंने सोचा काम करती हूँ, बर्तन ना साफ कर देती हूँ, शादी से पहले की बात है। तो शिंक में ना मैं सोच रही थी पहले जो नीचे सब्जी गिरी वो निकाल देती हूँ, उसके डीप ये पायल ब्लेड रखा हुआ था। तो जैसे मैंने अपना हाथ ऐसे अंदर डाला ना सामान निकालने के लिए, मेरा हाथ पूरा छिल गया, मतलब मेरे ये पूरे हाथ से ऐसे टप 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 खून आ रहा था। और तब से मैं जब भी ये चीज देखती हूँ ना, मैं हर किसी को ये बात बोलती हूँ, कभी भी झूठे बर्तनों के अंदर ना ये वाला जो ब्लेड है ना गाइस, ये कभी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा शार्प होता है ना ये, कि इससे हाथ 101% कटेगा अगर हल्का सा भी टच हुआ। तो गाइस हम लोग ना व्लॉगिंग करते हैं ना, तो इस चीज का बहुत ज्यादा बेनिफिट भी है। जैसे मैंने आपको ये बात बताई, कभी कभी कुछ बातें होती है जो हमें पता नहीं होती, हम आपसे क्वेश्चन कर लेते कि आप लोग जो हमें सुन रहे हो तो हमें सजेशन दो, और कुछ बातें हमें पता होती हम आपको बताते हैं। तो इससे क्या एक दूसरे के साथ ना नॉलेज ना बढ़ती है, और जितनी भी नॉलेज इंसान लेना उतनी कम है लाइफ में। तो गाइस मैं ये जो बॉटल है ना 2 लीटर वाली, ये ली तो जरूर आई हूँ, बट इसको खत्म करने का ना बहुत बड़ा टास्क रहता है। और मेरे को बस ये रहता है कि पानी वाटर इनटेक ना काफी सारा लूं, क्योंकि वाटर नहीं पीती, पानी नहीं पीती ना पिंपल्स हो जाते हैं। तो अभी आपको दिख नहीं रहा होगा पिंपल, एक और दो पिंपल्स हो गए हैं मुझे। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल मजे में। कल रात को बहुत ही तेज तूफान था और भैया चीजें थोड़ी सी इधर से उधर हुई, और मुझे लगता है दोबारा तूफान आने वाला है 6:30 सुबह का, क्योंकि पायल बनाने में लिए परांठे, इसलिए तूफान आने वाला है। ऐसे थोड़ी है, मैं हमेशा बनाती हूँ आपके लिए। मैंने सोचा चलो ये बात। तो गाइस आज भी देखो कितनी जल्दी सुबह सुबह नहा धो के रेडी हो गई हूँ। ये कहते हैं ना थोड़ा बंटन किरा करो, तो मैं देखो आज सुबह सुबह बंटन के रह रही हूँ। 6:30 कौन रहता है पायल यार, मुझे समझ में नहीं आता। बस ऐसे ही मैं जल्दी उठ गई थी, मैंने कहा नहा लेती हूँ। लक्ष्मी ऐसे हो रखी है, तुम कहीं जाने की तैयारी तो नहीं तुम्हारी? नहीं, ये तो जिम जाएगी अभी ऊपर, तो मैं वैसे रेडी हूँ। तो फाइनली गाइस गाना आ गया है, जिसने अब तक नहीं देखा जाके देख लो, नंबर 1 रिकॉर्ड पे, और बायो में लिंक भी है, और बहुत ही कमाल का गाना, आप चेक भी कर सकते हो। अरमान में लिख डाल के लिख देना जहर गाना, आपको मिल जाएगा। मैंने इस गाने के लिए बहुत मेहनत की थी, बहुत
पेशेंस रखा था। तो इस गाने को जरूर देख के कमेंट करना। और दूसरी बात, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसे गाने में कभी भी कोई मेन लीड का रोल मिलेगा, मुझे नहीं पता था, एंड ये हुआ है फर्स्ट टाइम। तो मैं काफी ग्रेटफुल हूँ इस सॉन्ग के लिए, तो इसे जाके देखना मत भूलना। बस बस रोते नहीं। तो गाइस अभी बज गए हैं दोपहर के 2:30 और हम लोग काफी जल्दी उठ गए थे। ये लगा लो मैं मॉर्निंग में 9:00 उठ गई थी। 9 बजे उठने के बाद फिर मैं 11 बजे सोई, फिर मैं दोपहर को 1 बजे उठी और उसके साथ साथ रात को मैं 4 बजे सोई। बीच में जो मेरी नींद का पार्ट है ना, वो बहुत ही डिस्टर्बिंग पार्ट रहा। बिल्कुल भी नींद सही से पूरी नहीं हुई है, 2-2, 3-3 घंटे की नींद ली है। तो बस अभी क्या घर की साफ सफाई चल रही है, काम कर रहे हैं, तो दोनों बच्चे नहा चुके हैं, जैद भी नहा चुका है और तूबा भी नहा चुकी है, रेडी भी हो गए, तो उधर चल रही है आयान की मालिश। तो यहाँ पे जो हमारी प्रिंसेस है तूबा, उसको पता है मैं उसकी बात कर ली हूँ, आपको सब पता है। तो आज इसने पहना है न्यू बैंड और साथ में ड्रेस पहन के फुल प्रिंसेस बन गई है सुंदर सी। तो यहाँ पे हमारा जो जैद बाबू है ना, वो भी रेडी हो गया। आप तो ऐसे लग रहे हो बाबू मीटिंग में जा रहे हो शर्ट पहन पहन के। कौन सी मीटिंग में जा रहे हो, कौन सी मीटिंग में जा रहा है? तो गाइस यहाँ पे ना बच्चों के जो झूले है ना, वो निकाल के रेडी कर दिया। बस बच्चे, ये है अयान की जगह, अयान शावर लेने के लिए गया हुआ है, आता है तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो गाइस मैंने बोला अयान शावर लेने के लिए गया हुआ है, अयान खुद शावर नहीं लेता, नैनी उसको शावर दिलाती है। तो बस अभी रेडी हो जाते हैं बच्चे, फिर हम साफ सफाई करते हैं। और आज ना चीकू के पापा ने मुझे और पायल को दिया है बहुत ही अनमोल तोहफा। क्या दिखा देती हूँ, बहुत सारी टी शर्ट दी है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है हम लोग घर में पहनते हैं खुली खुली टी शर्ट और शॉर्ट्स। तो ये वाली जो टी शर्ट है ना, ये है 3 साल पुरानी टी शर्ट, तो मैंने इसको फंसा के पहन तो लिया बट टाइट है। और अरमान जी की तो टी शर्ट है ना, उनपे मेरी और पायल की हमेशा से नजर रहती है, क्योंकि हम लोगों को बहुत ही मस्त लगती है टी शर्ट। तो एक नहीं दी, बहुत सारी दी है, मैं दिखाती हूँ। पायल लक्ष्य सुनो, आज क्या हुआ? तो ना चीकू पापा ने बहुत सारी टी शर्ट दी, तो इनमें से ना ये टी शर्ट निकली, तो मेरे को ये टी शर्ट इतनी खास नहीं लगी फुल स्लीव की। तो मैंने नितिन भैया को बोला काम करो ये टी शर्ट ना, ये टी शर्ट आप रख लो। कहते ठीक है भाभी, कहते तो मेरी जैसी लग रही है। कहते नहीं नहीं भाभी, तो मेरी टी शर्ट है, 1 घंटे तक नहीं सोएगा, 1 घंटे तक धुले देगी। कोई बात नहीं, शांत तो है, इतना तो कर ही सकती हूँ। तो यहाँ पे दोनों बच्चे सो गए हैं और जैन ने लगा दिया बड़ी मम्मा को ड्यूटी पे कि मम्मा आप मुझे झूले दो, जब तक मैं रोऊंगा नहीं झूले देते रहो। तो गाइस अभी मंगवाया है हमने पनीर, क्योंकि चीकू के पापा गए हैं जिम, तो आकर कुछ डाइट लेंगे। तो पनीर की सब्जी बनाई है, मतलब पनीर मंगवाया, पनीर की सब्जी बनेगी। मैंने और पायल ने अपना जो नाश्ता है वो कर लिया। पायल तूने इनका मॉल तो ऑफर रख दिया संभाल के अलमारी में, सारी लगा दी। चल ठीक है। यार हमारा बड़ा बहुत नुकसान हो गया, हमने जो वाटर मंगाए थे गाइस, वो वाटर 1600 समथिंग के कुछ आए थे और वो ना टूट गए, अमेज़न से मंगाए थे, अच्छे नहीं निकले। तो अभी ना गाइस हम पता कर रहे हैं ऑनलाइन वार्डरोब कहाँ मिलता है, क्योंकि मैं और पाल यही सोच रहे हैं कि अगर हम दोबारा से ऑनलाइन मंगवाएंगे ना, तो क्या है कि ना हल्की सी जीन्स टांगो या कुछ टांगो, वो ना बैंड हो रहे हैं, और इतने ज्यादा कपड़े भी नहीं टांगे, क्योंकि चीकू के पापा के पास 4 वार्डरोब है, चारों वार्डरोब में सही से कपड़े टांगे तब भी वो थोड़े बैंड हो गए। तो पता करते हैं कहीं हमारे घर के आसपास वार्डरोब मिलेगा ना, तो जाकर खुद लेकर आएंगे अच्छी क्वालिटी का। तो गाइस यहाँ चीकू ने जिम्मा उठाया दोनों भाइयों को सुलाने का, तो एक को तो ले लिया इस साइड, एक को सेट लेने वाला भी है, और देखो आराम से भाई की कंधे पे ये सर रख के आराम से बैठा हुआ। तो गाइस आज ना बहुत टाइम बाद ना हम सारे के सारे सोने वाले हैं दोपहर को, क्योंकि क्या आप लोगों को बताया जैसे कि बिल्कुल भी नींद पूरी नहीं हुई है। हा? तो चीकू बोल रहे 1.5 साल बाद हम लोग सो रहे हैं, तो बस अभी बहुत तेज नींद आ रही है, बज गए हैं शाम के 5, लंच अभी कर रहे हैं, तो अभी सोते हैं और आप लोगों से मिलते हैं 1-1.5 घंटे बाद। और गाइस साथ ही साथ मैं आपको टाइम भी दिखा देती हूँ, 5:17 हुए हैं और बाहर का जो मौसम है ना बड़ा खतरनाक सा हो रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है बारिश आने वाली है। तो एक काम करती हूँ बाहर का थोड़ा मौसम भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे ना हमारी जो तूवर रानी ना आराम से सो रही है, तो एक काम करती हूँ मैं लाइट कर देती हूँ बंद। तो गाइस बाहर का जो मौसम है ना बहुत ही प्यारा हो रहा है, बहुत ही प्यारा हो रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ और सिर्फ 10-15 मिनट में ना बारिश आने वाली है, क्योंकि देखो ठंडी ठंडी हवा बहुत ज्यादा चल रही है। और आज ना गाइस एक और ट्रेजेडी हो गई है, जो हमारी उसमें पानी की कमी हो गई है, पानी नहीं आ रहा सुबह से। देखो मैंने बारिश का नाम लिया और बारिश आने लग गई, हाँ थोड़ी थोड़ी बूंदे दिख रही है मुझे। तो गाइज मैंने बहुत ज्यादा ट्राई करी सोने की बट सो ही नहीं पाई, क्योंकि क्या है कभी कोई बच्चा उठ रहा था कभी कोई बच्चा उठ रहा था। तो अभी मैं आ गई हूँ बाहर बालकनी में और दोनों बच्चों के कपड़े चेंज कर दिए। तो अभी मेरी गोदी में है जैद और लक्ष्य गोदी में है कृष्णा, तो दोनों के कपड़े हमने चेंज कर दिए हैं और बाहर हम क्या खा रहे हैं, हवा। कृष्णा इतना मजा आ रहा है हवा में, इतना मजा आ रहा है बालकनी में, मेरी बाबू केली केली कर ली थी। जैद अब गुच्छे में क्यों बाबू, आप भी शक्ल दिखा दो अपनी, आप भी केली केली कर लो मम्मा के साथ। दोनों भाई सेम सेम कपड़े पहन के केली केली कर ले हैं। तो गाइस तूबा अभी सो रही है, जैद और अयान दोनों फुल मजा ले रहे हैं बालकनी का। और पर क्या हो गया है ना, बारिश की वजह से थोड़ी ह्यूमिडिटी हो गई है और साथ ही साथ लाइट भी नहीं है घर में, तो अंदर तो बहुत ज्यादा सफोकेशन हो रही है, तो इसलिए हम बाहर आ गए। तो गाइस अभी अभी मुझे लक्ष्य ने किचन में बुलाया है। क्या हो गया लक्ष्य? वो आंटी नहीं
है, वो कह रही है लॉक हो गया। लॉक कैसे हो गया इसकी, इससे गैस कैसे निकलेगी? गैस तो निकल गई, ये ढक्कन नहीं खुल रहा। इसमें है क्या? दाल बना रहे थे यार। काम करते कल परसों खा लेंगे दाल। एक सेकंड, या यहाँ पे देख ओपन है। या कल उनको सिखाया था यहाँ से एरो तो एरो से एरो मिलाना है, उन्होंने फंसा दिया। ये कुकर ना मम्मी ने दिया था दिवाली पे। मुझे याद आ गया कुकर देख के, मम्मा ने दिवाली पे दिया था कुकर। यार अगर सोचे ना खुले ठीक है तो फिर क्या होगा, खाने का क्या करेंगे? गाय से खुल नहीं रहा, चीकू के पापा से खुलवाऊं? खोल देंगे, गर्म भी है लक्ष्य। एक काम करती हूँ, एक बार जोर लगाती हूँ, 1 2 3 दही लगा, दही हाई लगा के हाई सा नहीं हो रहा, इतना दम नहीं है बस। तो गाइस शाम के बज गए हैं 6 और बस मैं अभी शावर लेकर आई हूँ। शावर मैंने ले लिया है, बहुत ही मुश्किलों से बाल्टी भरी और पूरी बाल्टी मैंने भर दी, आधे पानी से मैं नहा ली, आधे पानी पायल के लिए रख दिया क्योंकि आपको पता है सोसाइटी में पानी आ नहीं रहा था। तो यहाँ पे नितिन भैया खेल रहे हैं टूबा के साथ। कितनी बार टी शर्ट चेंज करी है? 2 बार। तो नितिन भैया ने 2 बार टी शर्ट चेंज करी क्योंकि बच्चों ने कर दिया है। ओहो यहाँ पे चीज मिल गया। गुड मॉर्निंग बाबू। गुड मॉर्निंग। कौन? पापा। पापा बेटे सो रहे हैं। तो लक्ष्य मुझसे पूछ रही है दीदी चाय लोगे? तो मैं बिल्कुल चाय लूंगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सेरिडॉन खाई है क्योंकि मेरे हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा था, बहुत तेज हो रहा था। पर चाय पीने से पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद चाय पीती हूँ। तो गाइस अयान तो सो गया है और तूबा और जैद जाग रहे हैं। जैद तो बिल्कुल भी नहीं सोया, बिल्कुल भी नहीं, मतलब ये लगा लो जब से इसने शावर लिया ना तब से अभी तक आधा घंटा सोया होगा, बार बार उठ ही जा रहा है। तो एक काम करती हूँ चाय पी के पूजा करने के बाद फिर सुलाती हूँ बच्चों को। तो गाइस आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और जाते जाते नंबर 1 रिकॉर्ड्स पे गाना आ गया है जहर, गाना देखकर कमेंट करना आपको गाना कैसा लगा। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।